वेलकम बैक गाइस। तो मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और प्रिपरेशन पे सीरीज बना रहा हूँ, तो इनके ऊपर अभी जो आने वाली वीडियोस हैं इनके ऊपर बेस्ड होगी। तो इनके इनके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस जान के उनकी वीडियो बनाऊंगा, और बेसिकली मेजर मेरा फोकस होगा कि उन लोगों ने किस टाइप से क्वेश्चंस आंसर किए हैं वो अपन देखें, क्योंकि क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो तो ऑलमोस्ट हमको पता ही है, और क्वेश्चंस उन लोगों से क्या क्या पूछे वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, इसलिए उनका कोई मतलब इतना नहीं है, क्योंकि वैसे ही नेट पर मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो हो गया, और किस टाइप से उन्होंने आंसर किया है और उनकी प्रिपरेशन जर्नी क्या थी और उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी वो सब हम देखेंगे। तो यही होगा अभी आने वाली वीडियोस में, और ऑन कैंपस होगी मोस्टली ये सबकी, तो ऑफ कैंपस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी एक यही है कि जैसे अगर टेस्टलिंग आ जाए तो काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है, राउंड तो सेम ही होते हैं, बस एक दो राउंड थोड़े बढ़ जाते हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं और अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की आप बात सुनते हो उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हाँ यार इस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए, इस टाइप से प्रिपेयर करने से अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं, आज के हमारे फर्स्ट गेस्ट जो है वो है प्रशील कुमार तिवारी। इन्होंने गोल्डमैन सैक्स में इंटर्न ग्रैब किए, तो हम इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सो या वॉच द वीडियो गाइस। ओके तो पहला क्वेश्चन है कि स्टार्ट कब किया, जैसे प्रिपेयर करना कब चालू किया? मैंने प्रिपरेशन अपने फोर्थ सेमेस्टर से चालू की थी। उस समय मैंने दिसंबर के समय से मैंने अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, और उसके बाद सिर्फ कॉम्पिटिटिव ही मैं करता था अपने फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर एंड हुआ, मैंने इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन चालू की, इंटरव्यू बेट और GFC वगैरह से, और बस वही मेरा 2 से 3 महीने तक चला, और उसके बाद इंटरव्यू चालू हुआ। ओके। तो किसी को भी अगर प्रिपेयर करना हो तो कितना टाइम चाहिए रहता है, मतलब आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा उसको? जैसे मतलब मैं एकदम नूब हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए 2 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, मतलब उसमें फिर लूप्स वगैरह नहीं, थोड़ा ऊप्स का पार्ट भी आना चाहिए, तो वो वाला उसका पार्ट भी आना चाहिए, मतलब वो इंटरव्यू स्पेसिफिक या फिर राउंड क्लियर करने के लिए? मतलब इंटरव्यू स्पेसिफिक, क्योंकि मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि एक लैंग्वेज अच्छे से आती है, उसके बाद उस पर DSA करने के लिए लगभग 3 साढ़े 3 महीने लगेगा, और जब लास्ट में हमें DBMS और UPS रिवाइज करना होगा, स्पेसिफिकली रिवाइज करना होगा, तो उसके लिए तकरीबन आई गेस 5 या 10 दिन काफ़ी रहते हैं उसे वापस रिवाइज करने के लिए। लेकिन आपको UPS वगैरह एक बार अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा, 15-20 दिन उसको लगता है। ओके। मैं मतलब ऐसा एकदम न्यू नूब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइक नॉर्मल कॉमन पर्सन की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी है कि यार वेब डेवलपमेंट कितना यूजफुल है, मतलब क्या वेब डेवलपमेंट ने फायदा दिया है आपको, जैसे इंटरव्यू क्रैक करने में या कंपनी में पहुंचने के लिए वेब डेवलपमेंट का कितना रोल है? तो वेब डेवलपमेंट एज सच कोई इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसमें आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका बहुत यूज़ रहता है, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस सम ऑफ योर प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेगा उसके बारे में बोलने को कहेगा। तो वेब डेवलपमेंट का आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, और दैट इज़ मतलब एक आपको एज मिल जाता है कि आप, अगर आपको वो टेक्नोलॉजी अच्छे से आता है तो आप उसके डीपर क्वेश्चंस भी ले सकते हो इंटरव्यूअर से। तो हाँ, फॉर डिस्कशन ऑफ प्रोजेक्ट वो इम्पोर्टेंट रहता है। ओके। तो मतलब नहीं, मतलब जैसे वेब डेवलपमेंट कितना डेप्थ में जाना चाहिए, बस टच कर करके आ जाए या चलेगा, टच करके आ जाए तो, या फिर नहीं मतलब कि घुस के थोड़ा करना पड़ेगा? एक मीडियम लेवल का, एक इंटरमीडिएट लेवल का लगभग नॉलेज होना चाहिए वेब डेवलपमेंट का। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपसे सब कुछ ही आता है उस टेक्नोलॉजी का, लेकिन इतना आना चाहिए कि नॉर्मल ऑथेंटिकेशन टाइप के क्वेश्चन, और आपने कुछ जो भी फीचर इंप्लीमेंट किए हो स्पेसिफिकली वो कैसे किया है उतना आना चाहिए, और कोई भी एक चीज़ आपको थोड़ा डीप में पता होना चाहिए, मतलब चाहे डेटाबेस का पार्ट हो सकता है या फिर फ्रंट एंड में आपने कुछ मतलब रिएक्ट या बेसिकली किसी एंगुलर भी यूज किया चीज़ हो। को ऐसे पता होनी चाहिए कि जो अपन ठोक के बता सकें कि यार नहीं यार ये तो मेरे को आता है, इस पे कुछ भी पूछ ले मैं बता दूंगा। कुछ एक तो ऐसा जैसे पॉइंट आपने होना चाहिए जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो और इंटरव्यू को वो पसंद आ जाए, इंटरेस्ट हो जाए उसको ओके उसके ओके मतलब आंसर आपने को में। दिखाना है कि यार ये चीज़ है जिसके लिए, जो मेरी स्पेशलिटी है, मतलब है ना? हाँ ओके, ये भी सही है। और जैसे आपने इंटरव्यू बिट किया था, हाँ मतलब कितना सॉल्व किया था, और इस अकॉर्डिंग मतलब आप कुछ बताना चाहें कि हाँ
इंटरव्यू बेट मैंने अपने इंटरव्यू की स्पेसिफिक प्रिपरेशन इंटरव्यू बेट से ही चालू की थी, और उसमें बहुत अच्छे से अरेंज क्वेश्चन है हर टॉपिक वाइज, और उसमें भी टॉपिक के अंदर भी सेग्रीगेशन है क्वेश्चंस का। तो मैं हर टॉपिक को कंप्लीट किया था मैंने उसके प्रोग्रामिंग से, और पजल्स मैंने कंप्लीट किए थे इंटरव्यू बेट के, ओके ओके और उसे भी करने में 1 महीना तक का लग जाता है। और मेन उसमें कंसिस्टेंसी रहता है कि लगातार करना रहता है, वरना क्वेश्चन से एक बार टच छूट जाए तो फिर क्वेश्चन मतलब बनते नहीं आसानी से। ये भी है। और मेरा ये है कि जैसे मेरा मेरे को ये भी पूछना था, जैसे मान लो कि इंटरव्यू बिट कैसे करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे जैसे पूछते हैं कि यार थोड़ा अटक जाते हैं, तो क्या सोल्यूशन देख लेने चाहिए या फिर थोड़ी देर ट्राई करो? मैंने अपने केस में क्या किया था कि अगर कोई क्वेश्चन अभी मेरे से करंटली नहीं हो रहा है तो मैं कम से कम हर क्वेश्चन को 1 घंटा तो देता ही था। एक बार जो उसमें पॉइंट्स सिस्टम रहता है कि अगर आपके पॉइंट्स 50% से कम हो गए हैं तो फिर आपका सॉल्यूशन अप्रोच खुल जाता है। एक बार सॉल्यूशन अप्रोच खुल गया और उसे मैं पढ़ लेता था, अगर नहीं बनता था तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ लेता था वंस मेरे 50% से कम पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन अप्रोच पढ़ करके वो लगभग सुडो कोड टाइप का ही रहता है, तो सॉल्यूशन लिख लेते थे कम से कम, इम्प्लीमेंटेशन तो बन ही जाए, जैसे कुछ ना कुछ तो सीखे उस क्वेश्चन से अपन। ओके, तो मतलब जैसे अभी जैसे गोल्डमैन में आपका हुआ, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा जैसे बता सकते हैं कि यार इस टाइप के थे? जैसे क्वेश्चन का मेरा सेंस ये है कि क्वेश्चन तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसलिए उसका कोई इतना दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उसको किस तरीके से आंसर किया, क्योंकि मेन वही है, क्योंकि क्वेश्चन तो GFG पे है ही है और वो अभी लिंक डाल देंगे तो वो लोगों को मिल जाएंगे। तो अपन कुछ और थोड़ा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि यार हाउ यू आंसर बिकॉज यू गॉट सेलेक्टेड। ओके सो तो जब भी इंटरव्यू उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पॉज लिया, क्वेश्चन को समझा पहले, और हर क्वेश्चन पे मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में मैंने कम करीबन 1-1.5 मिनट तक इंटरव्यूअर को उस क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन किया, जिससे कि मैं सारे कॉर्नर केसेस जान सकूँ कि वो मेरे से एग्जैक्टली चाहता क्या क्या है करवाना। उसके बाद मैंने जैसे ही ये सब खत्म हुआ मैंने एक तुरंत ही ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दिया हर क्वेश्चन के आंसर पे, सर इसे ऐसा ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, और साथ में उसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दिया कि सर इसका ये चाहे एक्सपोनेंशियल होगा या के एन स्क्वायर एन क्यूब जो भी होगा वो बता दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू ने मुझे कहा कि अच्छा तो इसको ऑप्टिमाइज करो या किसी और तरीके से करने का कोशिश करो। उसके बाद मैंने एक मतलब पॉज तो नहीं लिया लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता था इसमें कुछ सॉल्व कहते करते रहते, हुए। क्योंकि ये मेरे को भी अच्छा पॉइंट लगा। मतलब ये है कि आपने वो पॉइंट ऑफ वो फोकस लूज नहीं किया, मतलब जैसे एक पॉइंट उसको पकड़ के रखा, मतलब इंटरव्यूअर के साथ आप अपने कांटेक्ट मेंटेन करके रखा। हाँ क्योंकि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यू के समय पे, मैं ऐसा पढ़ के भी गया था कि कभी भी शांत नहीं रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ तो जैसे मतलब जैसे बोलते आप रहना। सोच रहे हैं तो उसके लिए फिर, मतलब जैसे अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूंगा? वो एक रहता है ना जैसे। जैसे मैं जब सोच रहा था किसी एक क्वेश्चन पे तो मैं उसमें भी बोलता रहता अच्छा तो इसमें एक एरे ले लेंगे, उस एरे में ऐसा ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं और उससे ही आंसर आ जाएगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि अगर कुछ गलत जा रहे हो तो इंटरव्यू बीच में बोल देता था कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे उस पॉइंट पे मैं बता देता कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो एक तरह से इंटरेक्शन पूरा जितना भी 30 मिनट 40 मिनट जितना भी इंटरव्यू चलेगा हर समय पर कोई ना कोई उस मीटिंग पे बोल रहा होता था, मतलब कभी भी मीटिंग तो म्यूट पे नहीं मतलब रहती थी। मेन ये कि पॉइंट ऑफ फोकस लूज ना किया जाए, मतलब कि मेन उनसे वो कनेक्शन मेंटेन करते रहना चाहिए अपने को, है ना? और इंटरव्यू बिट से कितने क्वेश्चन आए, मतलब आपको क्या लगा कि यार जैसे इंटरव्यू बिट करने से क्या सिमिलर क्वेश्चंस मिले इंटरव्यू में? हाँ ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इंटरव्यू बिट का कॉपी क्वेश्चन था और शायद वन ऑफ द हार्ड प्रॉब्लम्स थी लेट कोड की, तो ओके वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था जो थोड़ा मॉडिफिकेशन था इंटरव्यू बिट का, तो वो क्वेश्चन भी पूछा गया था लेकिन मॉडिफिकेशन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा मॉडिफिकेशन उसे सॉल्व किया जा सकता था। ओके ओके तो मतलब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू बिट है ही काफी सही चीज है। और कोडिंग राउंड का जैसे उसमें क्या सीन रहता है अपने, जैसे कोडिंग राउंड में, कोडिंग राउंड के लिए क्या मुझे कॉम्पिटिटिव करनी चाहिए? कोडिंग राउंड में हाँ कोडिंग राउंड के लिए कॉम्पिटिटिव ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें कई बार कुछ इम्प्लीमेंटेशन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ DSA 2 उसका फोकस नहीं रहता है। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी करके रखा था तो उस पर मुझे कॉम्पिटिटिव ने हेल्प किया, क्योंकि
एक बार आप कोडिंग राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू बिट वाले चीज़ें हेल्प करते हैं, लेकिन उसके पहले तक सीपी बहुत हेल्प करता है। ओके ओके, तो मतलब दोनों एक अलग चीज़ है, कोडिंग राउंड के लिए अपने को थोड़ा सा सीपी भी करना पड़ेगा और उसके लिए अपन वो कर सकते हैं लीड कोड और इंटरव्यू बिट इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी डीबीएमएस ऊप्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे, मतलब थोड़ा इस टाइप से कि पढ़ना भी कहाँ कहाँ से और किस जगह से सिमिलैरिटी थी क्वेश्चन की, तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन से जनरली इंडेक्सिंग और ट्रांजैक्शन के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सबको प्रिपेयर करने के लिए मैंने जो नॉर्मल सेमेस्टर के समय पे क्लासेस थी उसके नोट्स बनाए थे, उससे प्रिपेयर किया था। और इसके अलावा एक लव बब्बर सर का एक पाथ है, रोड मैप है, उसको भी मैंने फॉलो किया। तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो मैंने प्रैक्टिस करके रखे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मुझे आंसर कैसे करना है और क्या आंसर करना है। तो क्या वही क्वेश्चन रिपीट हुए? एग्जैक्टली तो कोई भी रिपीट नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल इंटरव्यूअर जनरली मुझसे एसिड प्रॉपर्टीज पूछी गई थी, तो ये जनरल क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके जो साइड क्वेश्चन थे वो अलग थे। नॉर्मल क्वेश्चन रिपीट किया, लेकिन साइड क्वेश्चंस मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, क्योंकि उन्होंने डीबीएमएस और प्रोजेक्ट का मिला करके क्वेश्चन पूछा था। तो ओके ओके, तो उनके पास रिज्यूम खुला हुआ था, मतलब एस सच। हाँ, उन्होंने बताया भी था कि आपने रिज्यूमे में ये लिखा है, तो क्या आपसे ये मतलब ऐसी चीजें आती हुई हैं कि रिज्यूमे में वही लिखा जाए जो आता होगा अपन को सही में। हाँ, ऐसी आप ग्रिल हो गए उन चीजों पर। अच्छा, नहीं तो फिर वो समझ जाएंगे कि आपने कुछ झोलमाल किया है लिखने में, है ना। ओके, तो ये भी सही है। अभी अपना कोडिंग राउंड का हो गया, थोड़ी सी पी, तो क्या मतलब जैसे अगर किसी फ्रेशर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो कोई बंदा उसमें है, तो आप उसको यही बोलेंगे कि यार सी पी कर लो, है ना, थोड़ी अभी, और इंटरव्यू बिट जब गर्मी की छुट्टियाँ हो तभी कर लेना, ऐसा मतलब ये सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया, अपने वो भी कवर कर लिया कि क्या क्या रिसोर्सेज में पूछ के जहाँ से आपने प्रिपेयर किया वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बस उसके बाद एचआर रिलेटेड राउंड वगैरह, उसमें मतलब उसके लिए आपने कुछ प्रिपेयर किया था जैसे, बस वही थोड़ा बचा है तो वो भी अपन देख ही लेते हैं। हाँ, एचआर राउंड के लिए मैं कुछ गूगल से क्वेश्चन के आंसर्स मॉडल आंसर्स देख के गया था, मतलब मैं मसाला तैयार करके गया था, उसी में बस अपना जो भी मटेरियल था अपना डालना और उसको डायरेक्टली प्रेजेंट किया। तो अच्छा लगता है चार के राउंड को, मतलब उस समय पे आपके पास एक मॉडल आंसर प्रिपेयर होना चाहिए, वरना फंस भी सकते हो उस राउंड में। अगर कुछ गलत आंसर कुछ अलग आंसर दे दिया तो उसके क्रॉस क्वेश्चन से बचना कठिन रहता है। ये भी सही है। और मतलब जैसे कुछ कॉन्फिडेंस का कितना रोल रहता है, जैसे सीपी तो ठीक है जैसे, और हाँ रेटिंग रेटिंग क्या मैटर करती है इतना, आपकी क्या रेटिंग रही है उस टाइम पे जब आप थे, मतलब इंटरव्यू बिट और वो सब करने के बाद, मतलब वो सब के दौरान आपने नहीं दिए होंगे कॉन्टेस्ट वगैरह, पर फिर भी आपके हिसाब से अंदाजन कि यार रेटिंग इतना मैटर नहीं करती, मेन कॉन्फिडेंस है या इस टाइप का कुछ जो भी आप कहें कहना चाहते हैं। रेटिंग मैटर तो नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन किस डिफिकल्टी लेवल तक कर सकते हो। जैसे मैं कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन करता था तो मैं लगभग 1600-1700 रेटिंग तक कर लिया करता था क्वेश्चन, तो वो हेल्प करता है कि अगर आप ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के कर रहे हो तो फिर जो भी कोडिंग राउंड के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब एक आपको एज दे देता है कि आप हो सकते कुछ पार्शियल टेस्ट के ज़्यादा निकाल करके आए होंगे या कि फिर आप क्वेश्चन ही पूरा ज़्यादा करके आए हो, तो वहाँ पर वो बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी थोड़ी तो ज़रूरी है अगर आप गोल्डमैन सैक्स क्रैक करना चाहते हैं तो, मतलब दूसरी कंपनीज का भी मेरे ख्याल से यही होगा, तो अपन वो तो और जानेंगे। सॉफ्ट स्किल्स कितना मैटर करती है, सॉफ्ट स्किल क्या आपको लगा कि यार सॉफ्ट स्किल्स ने आपको एक अलग एज दिया, मतलब 100 में से कितना परसेंट आप सॉफ्ट स्किल्स को देना चाहेंगे? सॉफ्ट स्किल तो कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है। इंटरव्यू में आपको देखा और उसको देख के लगा कि यार नहीं यार बंदे में दम है, तो वैसा कुछ मतलब सॉफ्ट स्किल वगैरह वैसा कुछ कितना परसेंट था वो? सॉफ्ट स्किल इन द सेंस के लैंग्वेज के स्पेसिफिक मैं नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश बोल रहे तो कुछ मैटर करेगा, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग रहता है, तो इंटरव्यूअर को स्टार्टिंग में ही एक अच्छा पॉजिटिव वाइब जाता है कि यहाँ बंदे ने प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे से आया है और ये मतलब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी रहेगा जो भी मैं पूछूंगा। तो उस केस में मतलब एक आध गलत भी दे दो तो भी चलता है ना फिर तो? हाँ, अगर कुछ गलत दे रहे हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ हिंट देते रहेंगे कि आप ऐसा कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, तो
आप करेक्ट कर सकते हो खुद को बाद में। और फर्स्ट इम्प्रेशन अगर अच्छा रहता है तो कहा भी जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट हाँ इम्प्रेशन। ये भी सही, ये भी सही। तो यार थैंक यू प्रशीर, मतलब यहाँ आने के लिए, सब लोगों को थोड़ा बताने के लिए। तो मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहता था, देखते हैं अभी कितनी देर का हो पाया है। तो इसी हिसाब से अपन यही खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से सारा बेसिक अपन ने स्टार्ट टू एंड सारा बताई दिया है ना। तो यार थैंक यू वेरी मच प्रशीर फॉर कमिंग।